Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. So, बिग बॉस के घर को टाटा बाय बाय कर यहाँ पर मेरे साथ कोई खास आ चुका है और उनसे जानेंगे कि बिग बॉस का ये सफर उनके लिए कैसा रहा। तो ज्योति इस वक्त मेरे साथ हैं। पहली बात तो ज्योति, कैसा रहा पूरा ये बिग बॉस का सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया बिग बॉस के घर में जाकर। मुझे सोचा नहीं था कि एक छोटी से शहर से आकर मुझे मौका मिलेगा इतने सारे लोगों के साथ रहकर, जिसको मैं टीवी में देखती हूँ कहीं, और उनके साथ रहना, इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आया। ज्योति, कितना चेंजेस अपने अंदर देखती जब बिग बॉस के हाउस में गई और जब वहाँ से निकली हैं? बिग बॉस के घर में गई थी एज अ कॉमनर, और यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं सेलेब्स बन गई हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, बिग बॉस के घर से निकल कर सबसे पहले किससे बात किया और क्या बातें हुई हैं? मैंने मम्मी को बात किया, मम्मी को बताया कि मैं निकल चुकी हूँ घर के बाहर और मैं कल आने वाली हूँ। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लो, कम से कम एक मंथ तो तुम रही घर में। हाँ, 4 हफ्तों का आपका ये सफ़र था वहाँ पे। ज्योति, काफ़ी दोस्त बने, काफ़ी दुश्मन बने, कौन से ऐसे दोस्त थे जो सबसे ज़्यादा करीब थे इमोशनली आपके? विकास गुप्ता, सारे लोगों को ये पता भी है। विकास गुप्ता, हिना के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग? हाँ, हिना खान, हितिन सर, सारे लोग। ज्योति, काफी शांत नजर आती थी घर के अंदर आप, तो दिखाई नहीं जाती होगी, मैं बहुत मस्ती करती थी, लोगों को परेशान करती थी, शायद दिखाया नहीं गया होगा, पर मैं बहुत मस्ती करती थी और बहुत लोगों को परेशान करती थी, और जो मेरा झगड़े भी होते थे और मैं आंसर तुरंत हाजिर जवाब ही देती थी, तो शायद इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को मैं बदतमीज लगती थी। ज्योति, एक वहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था आपको लेकर, जो स्मोकिंग की बात को लेकर जो हुआ था बाहर, उसे भी दिखाया गया था, तो वो क्या था पूरा मामला? वो पूरा शायद दिखाया नहीं होगा, जो घर के लोगों को गार्डन एरिया में आना था, तो सारे घर पहले हफ्ते थे, तो उस बीच में शिल्पा जी की कहीं ना कहीं कुछ मेरे उनके साथ बॉन्डिंग था, तो हम सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोगों को पता है कि मैं छोटी सी जगह से आई हूँ, मुझे सिगरेट, दारू और स्मोकिंग ये सबसे, मुझे उसके धुएँ से भी ये थी, सारे लोगों को पता था, तो हम लोगों ने किया प्लान कि हम जाते हैं अंदर और एक्टिंग करके बाहर आएंगे और ऐसे खांसेंगे, शिल्पा जी और मेरा ये प्लान था, तो देखते हैं कितने लोगों को मेरी एक्टिंग पर यकीन होती है कि नहीं। तो सेम ऐसा ही मैंने किया और बाहर आई मैं और शिल्पा जी और मैं आगे थी, तो सारे लोगों को यकीन हो गया था कि ये सिगरेट पी के आए, तो सारे लोगों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जब यकीन हो गया उसके बाद मैंने बोला कि उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, तो फिर सारे लोग हंसने लगे, बोला कि हाँ हाँ मुझे यकीन था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, तो मैंने भी उल्लू बनाया, पर बेसिकली उन लोगों को मुझे बेवकूफ़ बनाना था घर के सारे लोगों को। घर में आपके और विकास की वैसे ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी गई थी, पर क्या लगता है विकास और शिल्पा का जो भी झगड़ा चलता था ज्योति, वो क्या था? आई मीन, सारे प्लान करके अंदर गए थे या वो सब नेचुरली? नहीं, प्लान तो है नहीं शायद, शिल्पा जी कहीं ना कहीं, शिल्पा जी का ये प्लान है कि वो ज़बरदस्ती इनके साथ झगड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं गेम में वो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया जो भी घर बाहर से लोग आते हैं वो बताते हैं कि आप दोनों का नोक झोंक बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कुछ अलग ही लेवल पर जाती हैं वो नोक झोंक को लेकर, और कहीं ना कहीं विकास कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेडीज़ की एक औरत है, इनको मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा, विकास को लेकर बात हुई है, तो विकास के जेंडर को भी लेकर काफ़ी मजाक बनाया गया था घर में, उसके बारे में ज्योति क्या बोलना चाहती हैं? मुझे वैसे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता था, सलमान ने ये बात समझाया, मुझे पता नहीं था कि क्या है, पर जेंडर को लेकर आदमी का दिल अच्छा होना चाहिए, जेंडर कुछ भी हो, उनको क्या पसंद है ये मैटर नहीं रखता है, और मुझे समझ में भी नहीं है अभी तक आया कि क्या है, तो दिल उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे सलमान ने आपसे उस वक्त काफ़ी बातें की थी, आपको समझाया भी था बच्चे को लेकर कि बच्चा कैसे पैदा होता है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब सलमान आपको ये बातें समझा? मुझे मतलब कि जैसे पड़ोसी का थीम था कि एक गे है और एक उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं बस मेरा मुंह फटा का फटा रख गया कि जो लव था कहीं इतना लंबा चौड़ा बंदा, इसको लड़की पसंद नहीं आती है, और मैंने बहुत बार पूछा उससे कि सच में आपको लड़की पसंद नहीं आती है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो मेरा मुंह फटा का फटा रह गया, मैं बहुत सोच रही थी, तो फिर विकास जी आए क्योंकि वो मेरे करीबी थी, तो वो बोले कि ऐसा होता है, फिर उन्होंने खुद समझाना मुझे स्टार्ट कर दिया कि ये होता है वो होता है, अगर तुमको कोई और प्रॉब्लम, तो मैंने फिर पूछा कि तुम इन लोगों का फिर बच्चा कहाँ से आएगा, मैंने पूछा जब मुझे ऐसा लगा, तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार में बच्चा होना ज़रूरी है, तो फिर भी मुझे, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आकर पूछा, उनका भी बेवकूफ़ी था कहीं ना कहीं और मेरा भी बेवकूफ़ी था, तो इस वजह से सलमान सर ने बोला कि कोई लड़की घर में हो जो इनको समझाओ इसको। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था आपका, जो सलमान का वो मोमेंट यहाँ पे दिखा जाए। वैसे आरसी और हिना के बीच जमकर लड़ाइयाँ हुई थी स्टार्टिंग में, तो आरसी कितना टारगेट करती है लोगों को? आरसी लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है, और अभी फिलहाल उनका हिना और शिल्पा टारगेट में है। हाँ, फिलहाल तो
इतना ज्यादा एंटरटेन घर में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एंटरटेन कौन करता है, क्योंकि आप 24 आवर्स उन लोगों के साथ? ज्यादा तो अर्सी करती है लोगों को एंटरटेन, चाहे किसी भी तरीके से करे, पर वो सबसे ज्यादा करती है। अच्छा, जुबेर जैसे बाहर निकल के काफी तमाशा किए हैं घर के अंदर, जो आपको जाके पता चल ही जाएगा अभी थोड़े दिन में, तो लेकिन जुबेर वहाँ पे कितने राइट्स थे, या सलमान का चिल्लाना सही था या जुबेर का? सलमान सर बिल्कुल सही थे, वो बहुत, उनका लैंग्वेज बहुत ही गंदा था, तो सलमान सर राइट थे, वो बहुत रॉन्ग। अच्छा वैसे ज्योति, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको घर वाले लोग से उनसे रिलेट करना है, ठीक है? सबसे स्वीट घर वाला? विकास। सबसे क्रेजी घर वाला? आकाश। सबसे रोमांटिक घर वाला? रोमांटिक अर्सी। ओके, तो हर्षी किसके साथ रोमांस कर रही है? हितेन के साथ। वही सेम, हितेन के साथ। अच्छा, मतलब हितेन को भी टारगेट बना लिया हर्षी ने? हाँ, और उससे कहीं ना कहीं हितेन जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो उसको समझाते हैं, वो कितना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उससे साइड हो, वो हितू बेबी बोल के वो बुलाती है, इसलिए वो बहुत, उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको हो रहा है। पुनीश का भी एक रोमांटिक मोमेंट देखने मिल रहा है, वो कितना रियल है वैसे? वो रियल मुझे तो नहीं लगता कि रियल है, इसलिए रोमांटिक उनको मैं नहीं बोल सकती, वो दिखने की ये सारी चीज़ें करना। हाँ, मुझे लगता है उनके लिए। ओके, तो ऐसा नहीं लगता आप घर में इतनी शांत रही हैं, या झगड़ा नहीं किया है आपने, रोमांस किसी के साथ नहीं किया, इस यही एक वजह थी घर से इतना जल्दी बाहर निकलने का? मुझे किसी ने ऑफर किया था कि चलो हम लोग और रोमांस करते हैं शो में आगे बढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि अपने आप को गंदा दिखाकर कहीं ना कहीं वो लोग को पता चलता है कि फेक है, और इसलिए मुझे, मैं एक हफ्ते में आऊँ या पूरा लास्ट सीजन से तक ठीक हूँ, पर अपने आप को लोगों के बीच अच्छा रखना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, सबसे फेक घर वाला? सबसे फेक सपना। ओके, सबसे चालू घर वाला? शिल्पा। सबसे स्मार्ट घर वाला? विकास गुप्ता। कौन टॉप थ्री होंगे जो विनर्स में जाएंगे? विकास गुप्ता, हिना खान और शिल्पा सिंह। इसमें से विनर कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि विकास गुप्ता हो। ओके, फाइनली ज्योति, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब लोग आपको हद से ज़्यादा चाहने लगे हैं? बोलूँगी कि ऐसे ही आप आगे भी मुझे चाहते रहें, चाहे मैं बिग बॉस के घर में हूँ या ना हूँ, आगे शायद मुझे लाइफ में कुछ और करने का मौका मिले तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। अच्छा, फाइनली अभी आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करने वाली हैं कुछ? अभी शायद कुछ ऑफर्स मिले, मुझे एक्टिंग करनी है बेसिकली, मुझे टीवी में ही रहना है क्योंकि मेरा बचपन से शौक है, तो अगर कुछ मिले मुझे टीवी में लेकर तो मैं बिल्कुल वही करना चाहूँगी। थैंक यू ज्योति, टेलीविजन से बात करने के लिए। थैंक यू।